श्री सीता सहचरी जी ने जब देखा चीदराइन को, घर के कोने में वो बेचारी बिना वस्त्रों के बैठी हैं, एक वस्त्र था सो बेचकर साधु सेवा में लगा दिया। सीता सहचरी जी ने कहा, बोले अरे आप यहाँ उघाड़ी बैठी हैं। उन्होंने कहा ये देह भी किसी भी प्रकार से चर्चा करने योग्य है, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, कुछ उनकी बात सुनाइए, शरीर की क्या बात है। बोले उघाड़ा हो के ढका हो, बोले बड़ी बात, बोले प्रभु का गुण है, प्रभु का नाम है, जो क्षण भगवत भजन में भगवत स्मरण में जाए बोले वही सफल है, क्या इस शरीर की बात करती है। तो काक बुसुंडी जी कह रहे हैं, भाई सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा, राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विद न प्रसन्नते। बोले श्री राम जी से विमुख होकर, हरि चरणों से विमुख होकर, बोले कोई ब्रह्मा जैसी आयु ब्रह्मा सा शरीर क्यों ना प्राप्त करे। पर बोले बुद्धिमान जो पंडित जन है, बोले वो उसकी प्रशंसा नहीं करते। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको शायद निवेदन किया था ना, हम इसी सत्र में बात कर रहे थे, विशेष क्या है, जो साधारण ना हो वो विशेष है। विशेष क्या होता है, जो साधारण ना हो। साधारण माने बनना और बिगड़ना, ये सब साधारण है। वो आप मैं हो, वो इंद्र हो या ब्रह्मा हो, पर बनेंगे और बिगड़ेंगे। जो बनया सो टहना एक दिन, संत कह रहे हैं जो कड़या सो पजना एक दिन, जो बनया सो टहना। ये तो सब साधारण है, विशेष क्या है, जो सदा रहे बोले वो विशेष है। तो जिनको विशेष दृष्टि प्राप्त हो गई है गुरु की कृपा से, जिसकी साधारण दृष्टि है वो विशेष वस्तु का दर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन जिसको गुरु कृपा से विशेष दृष्टि प्राप्त हो गई है वो साधारण को नहीं देखता है, वो केवल विशेष का ही दर्शन करता है, वो केवल विशेष को ही देख रहा है। वो विशेषता कहाँ है, और विशेषता भगवत भजन है। जो उसका भजन कर रहा है वो विशेष है, बाकी सब साधारण है। गोरा हो काला हो सुंदर हो असुंदर हो, ज्ञानी हो ध्यानी हो कोई हो भाई, पर स्मरण रहे सुई पावन सुई सुभग शरीरा, इसके नेत्रों में प्रेमाश्रु छलकते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्षणम रुदति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। इसकी वाणी गदगद है, इसके नेत्रों से कभी प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं, जो प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होकर कभी नाचता है कभी कभी गाता है, भाई वो श्रेष्ठ है। आगे तो सब एक ही गिनती में है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कबीर तो सबको लपेट कर और एक ही डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। बोले आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। कबीर जी ने दो पंक्तियों में कहा, महाप्रभु जी ने एक में ही कह दिया, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इसमें विशेष क्या है, जो छल छाड़ बजे रघुबीरा, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, आहा प्रभु प्रभु की याद आते ही इसका चित्त द्रवीभूत हो जाए, कभी रोए कभी हंसे, हसत्य वीक्षणम रुदति क्वचिच्च, फिर विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन करे। देखो कीर्तन उच्च स्वर से ही होना चाहिए, विलज्ज उद्गायति, सब लज्जा संकोच छोड़कर प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आपसे तो कीर्तन कराना पड़ता है, हाँ भाई करो कीर्तन करो कीर्तन। नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये विशेष है। पाए तो भाई फिर कोई ऐसी विशेषता पाए, नहीं तो कहे राम विमुख लही विधि सम देही। तो ब्रह्मा जी जैसा शरीर पा लिया लेकिन श्री राम जी के चरणों की हरि चरणों की भक्ति नहीं है, कवि कोविद न प्रसन्न सही देही।